हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द समर वेकेशन होमवर्क। रीड द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट होमवर्क। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के फिर आपको होमवर्क करना है। फर्स्ट, ऑल पॉइंट्स आर गिवन एज डेली टास्क। सेकंड, डोंट ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। थर्ड, ट्राइंग दिस कैन पजल यू। ये होमवर्क जो आपको दिया हुआ है, ये पूरा डेली टास्क के रूप में है। इसको वन बाई वन आपको डे बाई डे करना है। इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि होमवर्क आपका मंथ भर का है, पूरे मंथ के लिए दिया गया है और आपको इसको डे बाई डे ही करना है। फर्स्ट, लर्न एंड राइट ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम चैप्टर 1-3 इन ईवीएस एक्टिविटी कॉपी। आपको चैप्टर 1-3 तक रीडिंग करना है। जितने डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ईवीएस की एक्टिविटी कॉपी में राइट करना है और फिर उनको लर्न करना है। सेकंड, ड्रॉ ऑल फिगर्स ऑफ चैप्टर 1-3 इन ईवीएस एक्टिविटी कॉपी फ्रॉम योर ईवीएस बुक। डेट शुड बी मेंशन। चैप्टर 1-3 तक जितने भी फिगर्स हैं वो सारे फिगर्स आपको ईवीएस की एक्टिविटी कॉपी में ड्रॉ करना है। वो फिगर्स आपकी ईवीएस की बुक से होने चाहिए और हर फिगर के नीचे डेट होनी चाहिए कि आपने किस डेट को वो फिगर ड्रॉ किया है। थर्ड, लर्न एंड राइट नोट्स ऑफ चैप्टर 1-3 इन योर ईवीएस फेयर कॉपी विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। इफ़ यू डिड द मिस्टेक, करेक्शन शुड बी डन बिफोर ओपनिंग द स्कूल। चैप्टर 1-3 तक आपको नोट्स ईवीएस की फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट है तो उसको चेक कर लीजिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक है तो वो आपको समर वेकेशन से पहले करेक्शन कर लेना है उसमें। फोर, लर्न एंड राइट ऑल एक्सरसाइजेज फ्रॉम चैप्टर 1-3 इन ईवीएस एक्टिविटी कॉपी। चैप्टर 1-3 तक पूरी एक्सरसाइज आपको ईवीएस एक्टिविटी कॉपी में लिखना है और उसको लर्न करना है। फाइव, मेक प्रोजेक्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इन तीनों में से किसी एक पर प्रोजेक्ट बनाना है। फर्स्ट है कोरोना वायरस, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड राइट डाउन टेम्परेचर एवरी डे 4 times इन मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट। आपको डेली डेट वाइज दिन में 4 बार मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग और नाइट टेम्परेचर मेजर करना है। ये टेम्परेचर आपको आपके मोबाइल से पता चल जाएगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप ये काम कर लीजिएगा। इसमें आप डेट डाल लीजिएगा, 4 कॉलम बना लीजिएगा मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट का, और चारों का टेम्परेचर आपको इसमें नोट करना है। 6, ड्रॉ द मॉडल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सॉइल एंड स्टिक्स और समथिंग एल्स विच यू कैन यूज़। आपको सॉइल स्टिक की हेल्प से इनमें से किसी एक का मॉडल बनाना है। फर्स्ट है द नी जॉइंट, सेकेंड द ब्रेन, थर्ड द ह्यूमन बॉडी, 4 चेस्ट, 5 क्रिकेट किट। 7, ड्रॉ द फिगर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द चार्ट पेपर और थर्मोकोल। आपको इनमें से किसी एक का, ध्यान रहे ये 6 हैं लेकिन किसी एक ही फिगर का आपको चार्ट पेपर या थर्मोकोल पर ड्रॉ करना है। फर्स्ट है द ह्यूमन स्केलेटन, सेकेंड द नर्वस सिस्टम, थर्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, 4 द न्यूक्लियर फैमिली, 5 द रेस्पिरेटरी सिस्टम, 6 द ब्रेल सिस्टम। इनमें से किसी एक पर ही आपको चार्ट पेपर या थर्मोकोल पे फिगर ड्रा करना है। सो ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।